की बस पलटी। बच्चे हुए चोटिल। खबर बलिया के फेफना थाना क्षेत्र के नगर से सटे अग्रसंडा गांव स्थित सनबीम स्कूल की बस बुधवार की दोपहर स्कूल छुट्टी के दौरान स्कूल के पास ही असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें करीब दर्जन भर बच्चे गंभीर रूप से चोटिल हो गए। स्कूल प्रशासन एवं आसपास के लोगों ने आनंद फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं बच्चों के अभिभावक भी घटना की जानकारी होते ही रोते बिलखते जिला अस्पताल पहुंचे। कोई हताहत नहीं है। बाइट डॉक्टर जिला चिकित्सालय बलिया। अभी एक स्कूल बस से घायल बच्चे आए थे, 13 जिनके संख्या 13 है और सभी को चोटें हल्की फुल्की चोटें आई है। वो सनबीम स्कूल बलिया के बच्चे हैं। तो कैसे चोटें हैं, क्या बताएं? जहाँ तक स्कूल के टीचर द्वारा बताया गया कि बस पलटने से उनको हर चोटें आई है। सर, आपने जो एग्जामिन किया है, क्या उन बच्चों में किसी की हालत ज़्यादा गंभीर भी है? सबको प्राइमरी ट्रीटमेंट सर्जन और ऑर्थो सर्जन द्वारा देखा गया है, किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। फ्रैक्चर या हेयरलाइन कुछ बताया? अभी तो एक्सरे होगा, उसके बाद कहा जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या आपको लगा? एज ए डॉक्टर बताइए, आपकी क्या आपको लग रहा था? बच्चे जो कि नाजुक होते हैं, उनकी हड्डियाँ भी आप समझ सकते क्या है? तो उसके लिए ऑर्थो सर्जन द्वारा एक्सरे एडवाइस किया गया है, एक्सरे के बाद ही वो बता सकते। किसी को एडमिट भी किया गया है? नहीं, अभी किसी को एडमिट नहीं किया गया है, अभी सबको प्राइमरी। खतरे में कितने बच्चे हैं? क्या खतरे में कितने बच्चे हैं? नहीं, अभी खतरे में कोई नहीं है, अभी सब नॉर्मल चोटें आई हैं, किसी को एडमिट अभी नहीं किया। क्या मेडिसिन किस तरह दी गई है? अभी सबको प्राइमरी ट्रीटमेंट के द्वारा जो ट्रीटमेंट होती है वो। लाइकवाइज सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल।